सेशन में मिट्ठू और कौरा की स्टोरी रीड की थी और उसके बाद आज हम मिट्ठू और कौरा की स्टोरी के शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ में सबसे पहले क्या है? तीखी। क्या है ये? तीखी। तो क्या हुआ उसका अर्थ? तेज। तीखी का अर्थ क्या होता है? तेज। तो तब कौवे की आवाज कैसी थी? कौवे की आवाज तीखी थी। दूसरा शब्दार्थ क्या है? दोबारा। दोबारा का अर्थ क्या होता है? दूसरी बार। तो तोता कौवे के पास दूसरी बार गया, यानी कि मिट्ठू कौरा के पास दूसरी बार गया था। तीसरा शब्दार्थ क्या है? छेद। छेद का अर्थ क्या होता है? सुराख, यानी कि होल। तो कौवा की चोंच से गुब्बारे में छेद हो गया था, इसलिए गुब्बारा फट गया था। चौथा शब्दार्थ क्या है? रसीला। रसीला का अर्थ क्या होता है? रस से भरा। तो मिट्ठू ने आम के पेड़ पे क्या देखे? रसीले आम देखे, रस से भरे आम देखे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखित में मिट्ठू और कौरा के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क, मिट्ठू कहाँ रहता था? क्या लिखा है इसमें? मिट्ठू कहाँ रहता था? तो उसका उत्तर क्या आएगा? मिट्ठू पीपल के पेड़ पर रहता था। मिट्ठू कहाँ रहता था? मिट्ठू पीपल के पेड़ पर रहता था। अब उसके बाद ख, ख में क्या है? पक्का आम देखकर मिट्ठू ने क्या सोचा? क्या लिखा है इसमें? पक्का आम देखकर मिट्ठू ने क्या सोचा? तो उसका उत्तर क्या आएगा? पक्का आम देखकर मिट्ठू ने उसे खाने का सोचा। क्या सोचा मिट्ठू ने? कि मैं उसे खा जाऊं। तो क्या है ये? पक्का आम देखकर मिट्ठू ने क्या सोचा? पक्का आम देखकर मिट्ठू ने उसे खाने का सोचा। उसके बाद ग, ग में क्या? ग, तो ग में क्या है? गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा? गुब्बारे को देखकर कौवा ने क्या समझा? तो उसका उत्तर क्या आता है? गुब्बारा देखकर कौवे ने उसे नया फल समझा। गुब्बारा देखकर कौवे ने क्या समझा? कि वो कोई नया फल है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे और उसमें क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। तो इसमें क्या दिया है? हमको ब्लैंक्स दिए हैं, उस ब्लैंक्स में हमको सही शब्द पूछना है और उसके बाद वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या है? मिट्ठू एक डैश तोता था। मिट्ठू कैसा तोता था? सुंदर। तो उसमें क्या आएगा? मिट्ठू एक सुंदर तोता था। क्या है? मिट्ठू एक सुंदर तोता था। उसके बाद दूसरा, दूसरे में क्या है? गांव में एक डैश का पेड़ था। गांव में क्या था? एक डैश का पेड़ था। डैश का मतलब किसका पेड़ था? पीपल का पेड़ था। तो ब्लैंक में क्या आएगा? पीपल। फिर से रीड करेंगे। गांव में एक पीपल का पेड़ था। गांव में एक पीपल का पेड़ था। उसके बाद थर्ड, रास्ते में मिट्ठू ने डैश देखा। रास्ते में मिट्ठू ने क्या देखा? यस, उसने गुब्बारा देखा था। तो वापस रीड करेंगे। रास्ते में मिट्ठू ने गुब्बारा देखा। क्या देखा? गुब्बारा। उसके बाद फोर्थ, मिट्ठू ने पेड़ पर पका डैश देखा। मिट्ठू ने पहले किसका पेड़ देखा था? आम का। तो आम के पेड़ पर उसने पका हुआ देखा।
मिठू ने पेड़ पर पका डैश देखा। क्या देखा? आम देखा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द का मतलब क्या होता है? जिनका अर्थ सेम होता है, यानी कि एक जैसा होता है। तो उसमें फर्स्ट क्या है? तीखी। तीखी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि समान अर्थ क्या होता है? तेज। तो कौवे की आवाज तीखी थी, यानी कि कौवे की आवाज कैसी थी? तेज थी। दूसरा जंगल। जंगल का समान अर्थ क्या है? वन। तो कौड़ा और मिट्ठू कहाँ रहते थे? जंगल में, यानी कि वन में रहते थे। थर्ड नया। नया का समान अर्थ क्या होता है? नवीन। तो मिट्ठू ने एक नया गुब्बारा देखा था। क्या देखा था? नया गुब्बारा देखा था। उसके बाद फोर पेड़। पेड़ का समान अर्थ क्या होता है? वृक्ष। तो कौड़ा एक आम के पेड़ पे रहता था और मिट्ठू एक पीपल के पेड़ पे रहता था। तो पेड़ का समान अर्थ क्या होता है? वृक्ष, यानी कि दोनों वृक्ष पे रहते। अब आई एम रिपीटिंग अगेन दिस वर्ड्स। समान अर्थ मतलब क्या होता है? जिस अर्थ के, जिस शब्द के मीनिंग सेम होते हैं। तो तीखी। तीखी का मतलब क्या होता है? तेज। तीखी यानी तेज। उसके बाद जंगल। जंगल, जंगल का मतलब क्या होता है? वन। जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको हम जंगल बोलते हैं। उसके बाद नया। नया का मतलब नवीन। हम जब कोई भी चीज लाते हैं नई, तो उसको क्या बोलते हैं? नया, मतलब नवीन। उसके बाद पेड़। पेड़ का मतलब क्या होता है? वृक्ष। तो हम बहुत सारे पेड़ देखते हैं रास्ते में, जैसे कि पीपल का पेड़, आम का पेड़ और नीम का पेड़। हम बहुत सारे पेड़ देखते हैं रास्ते में। लेट्स मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो टिक मार्क करना है हमें जो राइट आंसर होगा उस पे। तो सबसे पहले क। मिट्ठू ने पेड़ पर क्या देखा? मिट्ठू ने पेड़ पर क्या देखा? तो ऑप्शंस क्या है? पहला संतरा, दूसरा नारंगी, तीसरा पका आम। तो स्टूडेंट्स मिट्ठू ने पेड़ पर क्या देखा था? Yes, उसने पका आम देखा था। तो हम पका आम के बॉक्स में टिक करेंगे, यानी कि पका आम राइट है। मिट्ठू ने पेड़ पर पका आम देखा, ठीक है। उसके बाद ख। उड़ते समय मिट्ठू ने मैदान में क्या देखा? जब मिट्ठू आसमान में उड़ रहा था तब उसने मैदान में क्या देखा था? तो फर्स्ट है खिलौना। खिलौना देखा था। नेक्स्ट गुब्बारा। उसने गुब्बारा देखा था। थर्ड आम। उसने आम देखा था। तो उड़ते समय मिट्ठू ने मैदान में क्या देखा था? यस, उसने गुब्बारा देखा था। तो हम गुब्बारे को टिक करेंगे। तो उड़ते समय मिट्ठू ने मैदान में गुब्बारा देखा था, ये है करेक्ट आंसर। उसके बाद ग। गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? जब गुब्बारा फट गया था तब कौरा ने क्या समझा? तो उसके ऑप्शंस है फर्स्ट के शिकारी आए हैं, सेकेंड शेर आया है, थर्ड माली आया है। तो गुब्बारा फटने पर कौरा ने क्या समझा? कौरा ने ये समझा कि शिकारी आया है, या शेर आया है, या माली आया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? यस, उसने समझा था कि शिकारी।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? एक जैसी आवाज वाले शब्दों को मिलाएं। क्या लिखा है इसमें? आई एम रिपीटिंग अगेन, एक जैसी आवाज वाले शब्दों को मिलाएं, यानी कि जिसका और सेम होता हो और राइमिंग भी सेम होती हो। तो उसमें फर्स्ट क्या है? आम। तो आम जैसी राइमिंग वाला शब्द कहाँ है? पहले इनमें से देखेंगे हम, कोई है दाना, आम दाना, नहीं ये तो नहीं है। उसके बाद दाम, आम दाम, यस ये है करेक्ट राइमिंग वाले वर्ड, जैसे कि एक जैसी आवाज वाले शब्द, तो हम इनको ज्वाइन करेंगे। हो गया? तो क्या आया? आम और दाम। उसके बाद सेकंड वर्ड क्या है? खाना। खाना उसके सेम आवाज वाले शब्द हम ढूंढेंगे, तो क्या है? खाना। तो क्या है ये? दाना। खाना और दाना ये है एक जैसे आवाज वाले शब्द, तो हम इनको जोड़ देंगे। तो क्या हुआ? पहले आम और दाम, और अब उसके बाद खाना और दाना, ये दोनों एक जैसे आवाज वाले शब्द हैं। अब हम उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। तीसरे में क्या है? फल। फल तो इधर क्या है? वहां। फल वहां, नहीं ये एक जैसे आवाज वाले शब्द नहीं है। उसके बाद क्या है? हल। यस ये है फल, तो फल ये है एक जैसी आवाज वाले शब्द, तो हम इन्हें जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? फल और हल हो गए ना एक जैसी आवाज वाले शब्द। उसके बाद आखिर में क्या है? यहां। यहां तो अब क्या बचा है? वहां। यहां और वहां, वो दोनों एक जैसी आवाज वाले शब्द हैं, तो हम इन्हें भी जोड़ देंगे। तो चिल्ड्रंस, आपने इसमें देखा हमने क्या किया है? एक जैसी आवाज वाले शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, यानी कि मिला दिया है। तो उसमें हमने क्या किया है? आम। तो आम जैसा शब्द क्या है? दाम। तो हमने आम